गुड मॉर्निंग बच्चों, चलिए फिर हम लोग मिल रहे हैं। ये पिछले लेक्चर में आप लोगों ने प्रश्न नंबर एक और दो कर लिया है, पार्ट सेवन का प्रश्न नंबर एक और दो कर लिया है। अभी मैं आप लोगों को प्रश्न नंबर तीन करवाने जा रही हूँ। ये प्रश्न नंबर आपका तीन है। ये कह रहा है अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। ये अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न है। इसमें करें निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखी। निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर ये कविता की कुछ पंक्तियां दी गई है, उसे पढ़ना है और उसी से संबंधित नीचे प्रश्न दिया गया है, उसका उत्तर आपको लिखना है। ये कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उन्हें हमें बनाना है। कह रहा है कि जो तनिक हवा से बाग हिली। देखिए ये आपकी कविता है। यहीं पर मैं दूसरी पंक्ति भी लिख दे रही हूँ। लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं। राणा की पुतली फिरी नहीं। तब तक चेतक मुड़ जाता था। तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो इस पंक्ति को पढ़ना है और इसी से संबंधित कुछ प्रश्न लिया गया है जिसे आपको लिखना है। अब यहाँ क नंबर में देखिए क्या कह रहा है। क नंबर में कह रहा है कि इस कविता का नाम तथा इसके रचयिता का नाम लिखिए। कह रहा है कि इस कविता के नाम तथा इसके रचयिता का नाम लिखिए। यहाँ दुग बना दिया है प्रश्न, यहाँ कविता का नाम और यहाँ डैश दिया है, आपको भरना है। तो यहाँ आप सीधे लिख दीजिएगा कविता के नाम क्या है, तो चेतक। कविता का नाम है चेतक। अब इसको पूरा भी लिख सकते हैं, इस कविता का नाम है चेतक। अगर वाक्य में लिखना चाहते हैं तो इसे लिख देंगे, इस कविता का नाम चेतक है। अब कह रहा है कि कवि का नाम तो कवि का नाम क्या है, श्याम नारायण पांडे।
अगर दो नंबर में ये प्रश्न आता है तो एक शब्द में लिख देंगे, अगर दो नंबर से ज्यादा का ये प्रश्न होता है तो इसको वाक्य में लिखेंगे। श्याम नारायण नारायण पांडे, अब इसके बाद ख नंबर में कह रहे महाराणा प्रताप के घोड़े की बाघ हिलने पर उसका क्या असर दिखाई देता था, ये प्रश्न है आपका। महाराणा प्रताप के घोड़े की बाघ हिलने पर उसका क्या असर दिखाई पड़ता था, दिखाई देता था। ये आपका ख नंबर प्रश्न है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, घोड़े की बाघ हिलने पर वह अपने सवार को लेकर हवा में उड़ने लगता था। अब ग नंबर में देखिए कह रहे चेतक कौन था, चेतक कौन था, इसका उत्तर हो जाएगा चेतक महाराणा प्रताप का वीर घोड़ा था, चाहे सिर्फ घोड़ा ही लिख दीजिए। चलिए एक और प्रश्न है, इसमें ऊपर वाला मैं मिटा रही हूँ। अब इसमें घ नंबर में कह रहा है कि चेतक के मुड़ने में कितनी देर लगती थी, चेतक को मुड़ने में कितनी देर लगती थी। इसका उत्तर होगा
चेतक को मुड़ने में आंखों की पुतली मुड़ने से भी कम समय से भी कम देर लगती थी। चलिए इस प्रकार से ये प्रश्न नंबर 3 का आपका पांचों प्रश्न हो गया, चार ही प्रश्न था इसमें। अब आपको प्रश्न नंबर 4 है और ये आप लोगों को बनाना है। कह रहा है कि आप महाराणा प्रताप की किस विशेषता से स्वयं को प्रभावित पाते हैं और क्यों? क्या चेतक एक सामान्य घोड़ा था? यदि नहीं तो आपके ऐसा सोचने का क्या कारण है? और युद्ध में चेतक की क्या भूमिका रही? और क्या आपने कोई रण देखा है अथवा उसके बारे में सुना है? इसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये 4 प्रश्न है जो आप लोगों को स्वयं से सोचना है, स्वयं से इसका उत्तर अपने आप से ढूंढना है। और आगे मैं प्रश्न नंबर 5 से अगले लेक्चर में करवाऊंगी। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। अगले लेक्चर में संभवतः ये पाठ समाप्त हो जाए। चलिए।